वेलकम स्टूडेंट्स, कैप्सूल 6 आपके सामने है और इसमें मैं 15 कैप्सूल्स करा रहा हूँ। बाकी ये बड़े इफेक्टिव कैप्सूल्स हैं, इनके बेस पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर इसमें से ही क्वेश्चंस आ गए तो बल्ले बल्ले मज़ा आ जाएगा। चलिए, पैसेज है। पहला, हॉस्पिटैलिटी, यानी एक उसके लिए बोला गया है कि आतिथ्य। बहुत सी जगह, कई कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर लोग हैं ना, वो अपने अतिथि का सम्मान करना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तब भी ऐसा हो जाता है कि कोई बैठा हुआ है, हम खाना खाना शुरू कर देते हैं। जबकि सऊदी अरब या अन्य क्षेत्रों में जाएंगे तो सामने वाला है ना, वो जब तक खाना नहीं खाएगा कि जो आया हुआ आगंतुक है तो उसको अपने साथ बिठाएगा और अपने साथ ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाएगा। अगर वो मान लिया थोड़ा लोअर है अगर मान लिया, तो वो अपने नौकरों के साथ बिठाएगा, पर 100% उसको खाना खिलाएगा, उसको भूखा नहीं जाने देगा, उसको मुसाफिर कहता है। तो इस पैराग्राफ को पढ़िए, बहुत आसान पैराग्राफ है, देखिए। हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य इज अ वर्च्यू, एक ऐसा गुण है ऑफ विच द नेटिव्स ऑफ द ईस्ट, यानी पूर्व के जो देश हैं, इन जनरल आर हाईली एंड डिजर्वली एडमायर। इसके मामले में पूर्व के देशों की प्रशंसा की जाती है क्योंकि वो आतिथ्य को बहुत ज़्यादा मानते हैं। एंड द पीपल ऑफ इजिप्ट, और मिस्र के जो लोग हैं, इजिप्ट के, आर वेल एंटाइटल्ड टू कमेंडेशन ऑफ दिस अकाउंट, उनकी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ये मिस्र के लोग हैं, वो अपने अतिथि का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं। अ वर्ड, एक ऐसा शब्द विच सिग्निफाइज लिटरली अ पर्सन ऑन अ जर्नी, एक व्यक्ति जो यात्रा में आया हुआ है उसको मुसाफिर कहते हैं, और उसको मतलब वो सिग्निफाई करते हैं इसको, मतलब इज द टर्म, एक ऐसा टर्म है मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड इन दिस कंट्री, जो इसमें इस देश में मुसाफिर वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है विजिटर के लिए, इन द सेंस ऑफ अ विजिटर और गेस्ट, एक गेस्ट आ जाए या विजिटर आ जाए उसके लिए। देयर आर वेरी फ्यू पर्सन, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे हियर, ना के बराबर, हु वुड थिंक ऑफ सिटिंग डाउन टू अ मील, जो भोजन करने अकेले बैठ जाएँ, इफ देयर वर अ स्ट्रेंजर, चाहे भले ही अजनबी व्यक्ति उनके घर में आया हो, उसको जरूर बोलेंगे इन द हाउस विदाउट इन्वाइटिंग हिम टू पार्टी ऑफ इट, यानी उसको इन्वाइट जरूर करेंगे कि हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठ जाओ। अनलेस द लेटर वर अ मीनियल, अगर वो दूसरा व्यक्ति है, वो अगर थोड़ा सा छोटे जाति का है या छोटा है, तो इन विच केस, इस मामले में क्या होता है, ही वुड बी इन्वाइटेड टू ईट विद द सर्वेंट, उसको नौकरों के साथ भोजन करने के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन, द नेटिव्स ऑफ ईस्ट आर हाईली एडमायर फॉर हॉस्पिटैलिटी, यानी उसको हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो आंसर इसका ए होगा। द पीपल ऑफ ईस्ट कॉल अ पर्सन ऑन अ जर्नी, यानी उसको वो मुसाफिर कहते हैं, तो आंसर है ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डू द पीपल ऑफ ईस्ट मील विदाउट इन्वाइटिंग अ स्ट्रेंजर इन द हाउस, नो, नहीं बैठते, तो आंसर इसका भी ए होगा। नंबर 4 है, इफ द विजिटर वॉज मेनियल, अगर वो मेनियल है यानी निम्न स्तर का है, तो वो नौकरों के साथ बैठता है, तो विद द सर्वेंट इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर है वो बी, यानी बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। चलिए, कॉम्पिटेंट, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग सही है, परमानेंट की स्पेलिंग सही है, आर्ग्यूमेंट में ध्यान रखना, वैसे आर्ग्यू की स्पेलिंग होती है argue, पर मेंट लगने पर इसमें ई गायब हो जाता है, इसलिए आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है, सी आंसर होगा। चलिए, 2 एंटोनिम्स है, ग्लीवल कहते हैं भोला भाला, यानी बहुत भोंदू टाइप का व्यक्ति, और कनिंग होता है वो चतुर होता है, सी डी आंसर होगा इसका। एफ्लुएंट माने होता है बहुत पैसे वाला, और पुअर जो होता है वो गरीब होता है, स्टिंजी कहते हैं कंजूस, तो पुअर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, जेनिथ, 2 सिनोनिम्स है, जेनिथ माने होता है ऊंचाई, तो इसका भी पिनाकल इसका आंसर होगा, और नेदर तो उसका अपोजिट हो जाएगा, तो पिनाकल इसका करेक्ट आंसर है। पार्सिमोनियस मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कंजूस हो, कम खर्च करने वाला हो, और फ्रूगल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। लेविस तो ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, लेबिल, एक्स्ट्रावेजेंट और प्रोडिगल तीनों सिनोनिम्स हैं, अपोजिट जो है ना वो हो जाएंगे ये तीनों, इसलिए पार्सिमोनियस का सिनोनिम्स है वो फ्रूगल ही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आएँ और 11 पे, डाइन हार्नेस, इडियम्स में डाइन हार्नेस कहते हैं कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना, यानी जिस समय आप सर्विस में हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो स्टिल इन सर्विस, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। एडजेक्टिव ऑफ मिल्क, मिल्क का एडजेक्टिव है वो मिल्की हो जाएगा, मिल्की यानी दूधिया, दूधिया रोशनी होती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नंबर 11 के बाद 12 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फिमाइन पूछा गया है फॉक्स का, और लोमड़ा का जो फिमाइन है वो लोमड़ी यानी विक्सन होगा, डोर माइस का जो प्लूरल होगा वो डोर माइस होगा, DORMICE, और अब आगे बढ़ते हैं, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर कहलाता है जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है,
अगला अप्रोप्रिएट यहाँ पे प्रपोजिशन भरनी है, वर्ब नहीं प्रपोजिशन भरनी है। जूनियर टू लेता है और समय दिया होता है बाई, तो जूनियर टू मी बाई 5 years एंड ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला है आपका नंबर 16, दीज पॉइजनस गैसेस बिल, वर्ब लगानी है, तो वर्ब में अफेक्ट, अफेक्ट माने प्रभाव डालना, इफेक्ट तो नाउन है तो अफेक्ट यानी सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको नरेशन है, ओ ब्रदर, ओ ब्रदर यानी अजनबी को बुलाए, तो एड्रेसिंग से बनेगा, तो एड्रेसिंग वाला क्वेश्चन है वो आंसर ए होगा, एड्रेसिंग ए स्ट्रेंजर एज अ ब्रदर। एड्रेसिंग वाले मैंने डायग्राम में कराए हुए हैं, देख सकते हैं और उनको पढ़ें बार बार। नंबर 18 में देखिए, चेंज द वॉइस, आई डोंट बिलीव व्हाट यू से, व्हाट यू से पूरा अपने आप में फ्रेज है, तो इसका भी आप पैसे बना सकते हो, व्हाट इज सेड बाय यू, व्हाट इज सेड बाय यू, और फिर जो जो क्लॉज है व्हाट इज सेड बाय यू, इसके लिए फिर वर्ब लगेगी इज नॉट बिलीव बाय मी, बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 19 में आइए, लेट मी डू इट, इसका पैसे बनाना है लेट मी डू इट का, तो लेट इट बी डन बाय मी, लेट इट बी डन बाय मी, लेट इट बी डन बाय मी यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अब आएंगे हम 20 नंबर में, व्हाट इज द सिंपल पास्ट ऑफ फोरकास्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, कास्ट वाले जितने वर्ड होते हैं उनकी थर्ड फॉर्म कभी भी कास्टेड नहीं होती है, सिर्फ कास्ट ही रहती है, तो इसका आंसर है वो सी होगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन आपने करे, इन 20 क्वेश्चंस में आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि कितने आपके बन रहे क्वेश्चन, और सेट हम अगला करते हैं। चलिए